बलिया जनपद के चर्चित हालिस्टी की ओर हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिले मृत महिला के शव के मामले में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध पीड़ित परिजन अपने गांव में ग्रामीणों के संग धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि मृत महिला के परिजनों ने दिया जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। मृतक महिला के परिजनों ने कहा कि अगर 24 घंटे में नहीं होती है आरोपी डॉक्टर पति पत्नी की गिरफ्तारी तो पूरे परिवार के साथ हम आत्मदाह करेंगे। बता दें कि 23 जनवरी को बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के ककरी गांव के रहने वाली मुनी देवी अपने बहू का प्रसव कराने के लिए हॉलिस्टिक क्योर हॉस्पिटल जगदीशपुर बलिया में आई हुई थी। प्रसव के बाद मुनी देवी से हॉस्पिटल में किसी बात को लेकर के कहा सुनी भी हुई थी। उसके बाद मुनी देवी गायब हो गई थी। गायब होने के कुछ ही देर बाद मुनी देवी के परिजन मुनी देवी को काफ़ी ढूंढे, पूरे अस्पताल सहित शहर में भी ढूंढने का प्रयास किए। तब जाकर के मुनी देवी के परिजनों ने ओगडनगंज पुलिस चौकी में तहरीर दी। 24 जनवरी को भी परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन मुन्नी देवी का पता नहीं चला। मृतक मुन्नी देवी के परिजनों ने बताया कि 23 व 24 जनवरी को परिजनों और रिश्तेदारों के संग सीसीटीवी फुटेज दिखाने की भी हम मांग करते रहे लेकिन अस्पताल के लोगों के द्वारा सीसीटीवी के फुटेज नहीं दिखाया गया। 25 जनवरी को उसी हॉस्पिटल के लिफ्ट में मुन्नी देवी का शव मिलने की सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे। इस मामले में मृतक मुन्नी देवी के पति के द्वारा कोतवाली बलिया में तहरीर दी गई जिसमें बलिया पुलिस ने डॉक्टर पति पत्नी के ऊपर 302 और 201 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया लेकिन डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने से मृतक मुन्नी देवी के पति अपने पूरे ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं मृतक मुन्नी देवी के परिजन। हमारा नाम सूरज वर्मा है। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? हम ककरी के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपने न्याय के लिए, जो कि हमारी माँ बलिया के हालाजिस्ट के हॉस्पिटल में गई थी अपनी बहू का डिलीवरी कराने के लिए, जो कि वहाँ से लापता हो गई 23 तारीख को। और हम बहुत खोजबीन किए, छानबीन किए, हमारी माँ नहीं मिली उस हॉस्पिटल में। हमने बोला सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं किया, पूरे हॉस्पिटल में किसी ने मदद नहीं किया, हमें कैमरा नहीं दिखाया गया 25 तारीख तक। उसके बाद हम 25 तारीख पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज कराए थे। हाँ, हम ओक्टेनगंज में पुलिस चौकी में हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए थे, तो कोतवाली में भी गए थे, कोतवाली में भी रिपोर्ट दिए थे हम लोग। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, पूरे परिवार के साथ हम लोग आत्मदाह करेंगे, जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। यानी 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे का मांग कर रहे हैं सरकार से, 24 घंटे के अंदर पूरे गांव के साथ आप धरने पर हैं। पूरे गांव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे गांव पूरा सहयोगी कर रहा है, सहयोग के साथ। इंद्र कुमार और शशिकला, उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है, सरकार से यही मांग कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं लोग? हालाजिस्ट क्योर हॉस्पिटल बलिया। कौन डॉक्टर हैं लोग? शशिकला डॉक्टर है और डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर डॉक्टर जितेंद्र जितेंद्र